हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हर्ष बेनीवाल की एक नई वीडियो जिसका नाम है भाई बहन एंड लॉकडाउन। जी हाँ, लॉकडाउन के ऊपर है ऑफ कोर्स, सी बात है। देखते हैं यार साथ में मिल करके। अगर बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मजा आता है ना यार मेरी वीडियोज में, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप लोग लाइक करते हो ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, सिंपल सी बात यह है, तो लाइक कर देना एक बार जरूर से, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करना हो नहीं करना आपकी मर्जी पे। अगर आप फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हो तो ही करना, बट खैर कोई ना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसी बात पे शुरू करते हैं वीडियो। पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही सीन है, सब जगह सुनसान है एकदम, जनता कर्फ्यू। मैं धरती, हाँ वही धरती जिसका एक्सप्लॉयटेशन तुम हजारों सालों से कर रहे हो। सीरियस वीडियो है भाई। लेकिन वो कहते हैं ना, हर प्लैनेट का दिन आता है। मेरा भी आज मेरा है। कितने सालों, मेरे को भी एक्चुअली यही लगता है। कोरोना का सीन ऐसा है कि लोगों ने इतना ज्यादा जो प्रेशर बनाया हुआ है नेचर पे, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयट किया है ना, कि ये नेचर बदला ही ले रही है और कुछ नहीं। अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हो तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। आई होप कि यू अंडरस्टैंड, कर्मा वाला सीन है। आप जो करोगे घूम फिर के आपके सामने आएगा। हमने जो नेचर के साथ किया है वही आ रहा है, एनवायरनमेंट के साथ जो किया है वही सामने आ रहा है। वो बात, इतनी शांति। कौन है? हाँ, इतने सालों बाद इतनी शांति। अबे नरेशन करने दो यार। अबे कौन है बे? और तू भूल गए पिछले महीने जो तेरा रिचार्ज करवाया मैंने, मुझे वापस एहसान परामोश कहीं की। टिपिकल लड़ाई हो रही है यार भाई बहन वाली। सुनिए अपनी बेइज्जती, हमारी भी ऐसी होती है। एहसान परामोश, एहसान परामोश है ना पापा? मुझे भी लग रहा ज्यादा इज्जत दे दी मैंने इसको। एहसान परामोश, ये कैसे पैदा कर दिया आपने इसको? चिपड़ी कहेंगी, चिपड़ी लफंगी, डायन चुड़ैल, कुतिया। अब मार कुटाई होगी। नहीं हुई, हुई हुई। एग्जैक्टली, लैपटॉप तोड़ दिया। अब सर टूटेगा। मेरे बाप को मार। मेरे भी तो पापा यार। दूर दूर मुझसे, दूर दूर रहो। मुझे नहीं चाहिए अपने स्वर्ग जैसे घर में ऐसे राक्षस। निकल जाओ मेरे घर से, हाथ जोड़ता हूँ, निकल जाओ। हाँ बाबा जी, सही कह रहे हो आप। प्रॉपर्टी में हिस्सा भी तो कम हो। अभी इसका बैग पैक करके आता हूँ। कोई किसी का बैग पैक नहीं करेगा। तू अपना बैग पैक कर, तू अपना, दोनों दोनों लिख लो। पापा जी, मैं अब मुझे निकाल रहे हो? मैं तो आपके बुढ़ापे की लाठी हूँ ना पापा जी। नहीं चाहिए ऐसी लाठी। लाठी कोई सहारा नहीं दे रही, मुझ पे ही पड़ रही है। निकलो मेरे घर। हाँ, ठीक है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। अब तो बाहर भी नहीं जा सकते। हे भगवान उठा ले इन कमीनों को, ले मुझे उठा ले। हर बहुत सही कर रहा है यार आज को। मैन अब ना 21 दिन हमारे पास, अब 21 दिन हम बाहर तो जा नहीं सकते। अब ना हम वैसे ही बहुत ज्यादा लड़ते हैं, अब ना प्यार से रहेंगे, तेरे को मेरी कसम है। लैपटॉप तो टूट गया था बंदे का। अब हम मूवी देखेंगे। हाँ, और हम रात को खाना बनाएंगे। हाँ, और लूडो खेलेंगे। हाँ, और टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, और बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। यस यस।
21 सेकंड्स बाद बाहर आ, मुझे रेडी होना है। तुझे कहाँ जाना है रेडी होके? मेरे ना बॉस के साथ वीडियो कॉल है, सब तेज़ रहा बॉस के साथ। लोग वॉक और वॉक फ्रॉम होम भी करते हैं। चिल्ला क्यों रही है? आ तो रहा हूँ। और ना तू पर्सनल में जाकर काम कर रही है लड़की। वर्क फ्रॉम करने, वर्क फ्रॉम होम। यार हमें भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। कुछ नहीं कर रहा था। कुछ नहीं कर रहा था। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्या कर रहे? क्या कर रहा था? फिर से आ गई 5 मिनट दे दे। देख तू मजे मत ले, मैं ना लेट हो रही हूँ। क्या मेरे मजे लिए जा रहे हैं बहन? तूने दोबारा क्या करवाया हर्षु? बहन मेरा पेट खराब है, 5 मिनट दे दे बस। सुन सुन सुन, क्या करूँ मैं? तू ना ऐसे नहीं मारेगा, मैं पापा को बुलाऊँ। पापा चुप हो जा। पापा देखो इसे। अब लगाएगा। पापा मैंने लेट हो रही हूँ और ये जान के ड्रामे कर रहा है। अर्जू, अर्जू बाहर निकल। अब निकल, निकल ना, तो पहले कुंडी तोड़ूंगा फिर तुझे तोड़ूंगा। ना निकलने वाला भाई। हर्षू मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तीनों मिलके निकालेंगे। ओ निकाल लिया लंडे ने। अब उसके मुंह में पड़ेगी। ओ भाई मेरे को लगा था इसको लात पड़ेगी, लेकिन उधर बंदा। अरे पापा क्या कर रहे हो यार, खोल तो रहा था गेट। तुम दोनों ने ना मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। नहीं, नहीं, नहीं पापा, मैं सुबह से पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ इसे। नहीं पापा। ओ भाई तुझे भी उस समय। नहीं नहीं नहीं। ओ भाई धुएं किसने खा से आ रही है? किसकी 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 पापा? ये धुएं किसने खा? धुएं की पकड़ा गया। मुझे भी रही है। पकड़ा गया। कर रहा था मैं रामखोर। लैटरिंग किया ना पापा, लैटरिंग तो लैटरिंग की बदबू हो गई। हां राम चाचा, तू तो धुआं आता है ना यहां पे। धुआं आता है। ओ भाई तो मारा पापा ने बहुत। आओ ना पापा, आपको चाय। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा चाय टाइम। इट्स चाय टाइम, यू नो, चाय के लिए कुछ भी रुक सकता है, यू नो। सो देखते हैं वापस चाय के साथ। हमारे पास पापे भी है आज, तो दोनों तो खाएंगे। पिलाता हूं मैं। कौन सी टी पियोगे? ग्रीन टी, ब्राउन टी, रेड टी? आओ सारी टी पिलाऊंगा आपको। आओ टी के नाम पे टट्टी पिलाता है। एग्जैक्टली। ऐसी चाय बनाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा देखना। चाय सुबह सुबह देख रहा हूँ मैं, आप भी पियो। समझ गया। चुप हो जा, आवाज आई तो और पिटेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? मोहित भी इनके घर में ही रहता है क्या? तो शूट कर रहे हैं लोग सब मिलके हैं, या फिर बाजू बाजू में रहते होंगे, क्या पता। महाभारत शुरू हो जाएगी। बड़े उधर महाभारत देखा, इधर अपनी शुरू हो गई। बड़े ये क्या कर रहा है? पापा प्रिया ने छींक मार दी। बड़े गेट मत खोलियो।
मेरे को लगा था इसको पढ़ेगी भाई, बापू भी साथ दे रहा है इसका तो। एक तो इस लॉकडाउन में दारू नहीं पी पा रही, ओ पापा की बॉटल से पी लूंगी तो क्या पता। ये ऑलरेडी मार रहा है। सात जन्म का वादा किया था इसने पी रखी है, इनके बाद छोड़ दिया कमीनी ने मुझे। प्रीत क्यों किया तूने चीट, प्रीत क्यों किया तूने चीट। चल ठीक है तू रो मत। प्रीत धीरे, पापा सुन लेंगे यार क्या कर रहे। सॉरी पी रखी सीनियर बेनिवाल, सॉरी मेरे लिए एक और पैक बना दो। एक और मेरा ना दूसरा चल रहा है और तू आठवां मांग रहा है। नाम से भाई चढ़ जाएगी। अंडा सीनियर बेनिवाल वो यही तो नहीं पता, जो सिपाही बेनिवाल का गुर्दा है ना वो लोहे का बना है। लोहे का आर्यन का, आर्यन आर्यन के सामने आर एस बीपी सबके बीपी हो जाते हैं। किसके बनाओ अगला ऑन द रॉक्स मारूंगा। ऑन द रॉक्स थैंक यू। घटक गया भाई एक ही बार में। When वो देख पीनट आग दिया इसने तो। अब तो पता चल ही जाएगा चने चने इसमें। मेरी चाय निकलने वाली थी। खून नहीं है टमाटर की जगह। कूल शिट शिट पापा। उल्टी का क्या बट कुछ नहीं पापा, वो उसका थोड़ा पेट खराब था तो उल्टी हो गई। उल्टी हो गई जिंदगी बाप है तुम्हारा, उसको सब समझता है। क्यों किया तूने कमीनी ऐसा। प्रीत कौन प्रीत, क्या कह रहा है ये। पापा अब छुपाया ना छुपनी है, बाप है वो तुम्हारा। पापा एक और है मेरे पास। सल्यूट। सॉरी बाबा वो उल्टी पे उल्टी ना दिखी अब तक। आई गेट अप जवानी मैं सेल्फ। सॉरी सॉरी बाबा उठा ले। आई होप कि आप लोग भी चाय के साथ ही देख रहे हो। पापा बेने वाले भाई इसके अंदर का म्यूजिशियन बाहर आ गया। प्रीत पापा प्रीत प्रीत पाल इसका दोस्त, वो गोवा चला गया बेचारे को लात मार के लॉकडाउन में। डोंट ट्राई टू कवर, दोस्तों को तो इसे लात मारनी चाहिए। तो बाप है उसको कुछ नहीं समझ रहा है ना सज्जन बेनिवाल। दिया ना वो अच्छा हूँ ना मैं। और क्या इससे बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे तुझे। इमोशनल कर रहा है बाप को सब समझता है लेकिन वो कवर अप कर रहा है। आई लव यू पापा। कोई नहीं ये होता है बाप आज का। थोड़ा उल्टी साफ करवा देना और उसका भी थोड़ा ख्याल रखो। समझता सब है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। वेट से कहा चाय खत्म कर देता हूँ। तो मेरा ब्लेजर है मीटिंग में। मीटिंग में कौन है। ओ कुछ नहीं आप सो जाओ यार। सॉरी सर
काम कर रही हूँ यहाँ से। अच्छा, तेरा काम काम, मेरा काम काम नहीं होता। सर आप एक बात बताओ, मेरे टिकटॉक पे 227 फॉलोअर्स हैं, वो ना मेरा वेट कर रहे हैं कब मैं चोली और ब्लेजर पहन के ना उनको नाच के दिखाऊं। चोली और ब्लेजर, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? ठीक है ठीक है, रो मत प्रिया, ब्लेजर की नीड नहीं है, आप इनको दे दो। यस सर, मैं आती हूं। अब ये कॉन्फ्रेंस करेगा सर। वैसे ना मुझे आपसे बड़े दिन से बात करनी थी। मुझसे? हाँ जी सर, थैंक यू कहना था आपको। सर आपकी कंपनी ना बहुत ही प्यारी ब्यूटी क्रीम बनाती है, एक बार लगाई दो हफ्ते पूरे मुहासे गायब हो गए मेरे, मतलब आप सर भगवान ही हो मेरे लिए तो। अरे यार हम तो बस मेहनत करते हैं, अब इसको पटा लेगा। सर एक और हेल्प कर देते ना मेरी, मजा ही आ जाता। हाँ श्योर, बोलो। सर ये देखो, ये ना सर मेरे जांघ में ना बाल तो लगे, जांघ में दिख रहा है आपको? What the hell you are doing? प्लीज रिपेयर करा दो सर, बहुत दिक्कत हो रही है उठ बैठने में ना, बहुत दिक्कत हो रही है। इसको बंद करो सर, जब टांगे टच होती है बहुत दर्द होता है, इसे प्लीज सर कुछ करा दो सर, एक बार चेक करो, अच्छे से चेक करो। सर ये देखो प्रिया, प्रिया कहाँ हो आप? प्रिया स्टॉप इट, प्रिया नेटवर्क भी होंगे ना इसलिए चला गया, वो चोली मिल जाए उसकी जॉब निकलवा दिया तूने भाई जॉब से उसको। चोली नहीं तो साड़ी दे दे। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है, टीवी कोई देखता नहीं, पापा ही देखते हैं, मम्मी भी देखती है, छोटा वाला भाई भी देखता है। हमारे हम ना पूरे दिन पत्ते ही खेलते हैं। हाय डायरी, हाउ आर यू? आज का दिन अब इमोशनल हो जाएगा लौंडा, लॉकडाउन अनाउंस हो गया है, भाई के बारे में कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट है। बट मेन इशू ये नहीं है, मेन इशू ये है कि 21 दिन तक हर्षु के साथ एक ही घर में, आई जस्ट कांट, बहुत इरिटेटिंग है वो। आज मैनेजर के साथ वीडियो कॉल पर थी तो आ गया एम्बैरेस करने, उसके बाद किचन में मैगी बना रहा है, बर्तन के साथ साथ अपनी उंगली भी जला ली पागल ने, और जब बर्फ लेके गए लगाने तो कहता दूर है मुझसे चल, जिद्दी भी तो कितना है, कभी कभी लगता मम्मी है चमार दूर रख के, और कुत्ता अपना पपी फेस बना के गुस्सा गायब कर देता है। पता है वैसे आई डोंट से दिस मच, लेकिन उससे ज्यादा केयरिंग भाई शायद ही मुझे मिलता। अभी लास्ट मंथ मेरी तबीयत बहुत खराब थी, दिल जीत लिया, सुबह तक डेटा कंपाइल करके देना था ऑफिस में, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सो गई। सुबह उठी तो पैनिक कर रही थी कि काम नहीं हुआ, पर लैपटॉप खोल के देखा तो सारी फाइल्स कंपाइल थी, एक्सेल शीट भी बनी हुई थी। मैंने पूछा जाके तूने किया ना, पता क्या कहता? अबे जाना एक काम बचा है क्या, खुद के काम पूरे हो नहीं रहे तेरे करूंगा, तूने किया होगा नींद में अटक। ऐसा ही है वो, बहुत प्यार करता है मुझसे, बस जताना नहीं जानता, या शायद जताना चाहता ही नहीं है। स्पाइस है मेरी लाइफ का वो, बिना पानी की गोलगप्पे जैसी लगेगी लाइफ उसके बिना, बिल्कुल सूखी। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग जूनियर बेनिवाल। Hats off buddy, बहुत सही। अभी गले लगाया। रिमोट दे, रिमोट दे, रिमोट दे। दे दिया, दे दिया। आए भाई बहुत सही यार, बहुत सही। ये भाई इन दोनों को क्या हो गया ये सोच रहा है। Hey guys, thank you so much for watching this video. बहुत सही वीडियो थी यार। हर्ष की वीडियोस में ना एक पॉइंट होता था, उसका यूनिकनेस होता था कि वो चीज़ों को एग्जैगरेट कर देता था कुछ ज़्यादा। आशीष भी वही करता है, बट
हर्ष भी ये करता था, लेकिन इस वीडियो में मेरे को कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एग्जैगरेट हुआ है कुछ भी. आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैगरेशन वाज बैड, अच्छा था, बट यू नो कि जब रियल होता है तो फील कुछ ज्यादा ही होता है, कनेक्ट कुछ ज्यादा ही होता है. तो वो वाला चीज यहाँ पर था कि पूरा ऑनेस्ट लगा, पूरा रियल लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि एग्जैगरेट किया है कहीं पर भी. बहुत सही परफॉर्मेंस, बहुत सही डायलॉग्स, हर जगह बहुत सही थे. और या वीडियो बहुत सही थी. एंड में वो वाला सीन ना, वो भी बहुत सही था. वो भी ऐसा नहीं लगा कि इमोशनल है या लिखा हुआ है, सब कुछ सच लग रहा था, सही लग रहा था. वीडियो पूरी सही थी. अगर पसंद आई हो तो यार लाइक करना, हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. और कुछ वीडियोस देखना है तो ठीक है. आई होप कि यू गाइज आर बीइंग एंटरटेन्ड मेरा रिएक्शन से. आई होप कि थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया हो मैंने इस वीडियो पे, कुछ तो आपको मजा आया हो. या थैंक यू सो मच, बाय.